साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई की सीटों पर वोटिंग होने वाली है। महाराष्ट्र में पांचवें चरण की वोटिंग में इस बार मुंबई में वोट डाले जाएंगे और 20 मई को होने वाली इस वोटिंग से ठीक पहले मायानगरी मुंबई में बड़ा सियासी बवाल मच गया है, क्योंकि बड़े भीतरघात की खबर बीजेपी के अंदर आ रही है और वो भी उज्जवल निगम की सीट पर। जी हाँ, सीनियर वकील उज्जवल निगम की सीट मुंबई उत्तर मध्य पर भीतरघात की बात आ रही है, जिसका आरोप सीधे सीधे उद्धव ठाकरे पर लगा और रात को 2 बजे यहाँ पर मीटिंग करने की बात आ रही है, बहुत कुछ करने की कहने की बात कही जा रही है। तो यही नहीं, उज्जवल निकम ने भी उद्धव ठाकरे पर सीधा सीधा ठीकरा फोड़ दिया और कह दिया, चैलेंज कर दिया कि वो करके दिखा दे। तो माने तो बताते हैं आपको सब कुछ क्या है पूरा मामला। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर दें। तो मुंबई में वोटिंग से ठीक पहले बड़ा वाला बवाल मच गया है, क्योंकि इस बार भीतरघात की खबरें आ रही हैं। पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। असल में मुंबई की उत्तर मध्य सीट से बीजेपी ने उज्जवल निकम को अपना उम्मीदवार बनाया और जब से सीनियर वकील निकम की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ है उसी दिन से बीजेपी इस सीट पर बहुत ज्यादा आगे दिख रही थी, क्योंकि मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार उनके पीछे खड़े थे और माना जाता रहा है कि शेलार की मंजूरी के बाद ही निकम को टिकट दिया गया और शेलार की सीट पर अच्छी खासी पकड़ है। अब सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन अचानक उज्जवल निकम ने भीतरघात का आरोप लगा दिया, जड़ दिया। जी हां, उज्जवल निकम ने अपने क्षेत्र के कुछ बीजेपी नेताओं पर साथ नहीं देने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी के कई सारे लोग पूरी तरह से उनके साथ नहीं है, उनका साथ नहीं दे रहे, विपक्षी पार्टी का साथ दे रहे हैं। अब इसके बाद कुछ हलचल हुई लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी उज्जवल निकम को नहीं हुई। मगर असली बवाल तब मचा जब वोटिंग से ठीक पहले यानी कि 20 मई की वोटिंग से पहले 18 की रात को उद्धव ठाकरे से मिलने कुछ बीजेपी के नेता पहुंच गए। जी हां, उद्धव ठाकरे का घर भी मुंबई की उत्तर मध्य सीट पर ही आता है और इसीलिए ये सीट भले ही कांग्रेस के पास है और कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ इस पर उम्मीदवार हैं, मगर उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल इस सीट को बना लिया है। पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन इस सीट को जीत जाए और इसी कोशिश में बीजेपी के कुछ लोकल नेताओं को अपने घर बुला लिया और उज्जवल निकम के खिलाफ बगावत करने के लिए भीतरघात करने के लिए तैयार कर लिया। जी हां, ये बड़ी बात को बता रहे हैं, बड़ा खुलासा कर रहे हैं। अब ये सब कुछ 18 मई की रात को 2 बजे होने की बात कही जा रही है। 18 मई की रात के करीब 2 बजे के आसपास ये मुलाकात हुई, उद्धव ठाकरे के घर पर मुलाकात हुई और इस मीटिंग का पता उज्जवल निकम को भी चल गया। जी हां, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। उज्जवल निकम ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और उद्धव ठाकरे इसके मास्टरमाइंड है, उनके साथ ही बीजेपी के कुछ नेता भी शामिल है जो उनको हराने के लिए उनके ही खिलाफ उनकी पार्टी के अंदर साजिश कर रहे हैं। यानी कि एक तरह से उज्जवल निकम ने माना कि हाँ, उनको इस सीट पर फंसा दिया गया है। हालांकि उद्धव ठाकरे को उज्जवल निकम ने खुला चैलेंज भी कर दिया कि उद्धव ठाकरे कुछ भी कर लें लेकिन चुनाव उनका गठबंधन जीत नहीं पाएगा, क्योंकि ठाकरे के गलत कामों को, कांग्रेस के गलत कामों को, उनकी हरकतों को जनता समझ चुकी है, इसीलिए अब उनके पक्ष में वोट नहीं देने वाली है, वोट बीजेपी को ही पड़ेगा, उज्जवल निकम को ही पड़ेगा, ये बड़ा दावा कर दिया। लेकिन हाँ, पूरा मामला इस बार वोटिंग से ठीक पहले यहाँ पर पूरी तरह से बवाल में फंस गया है, क्योंकि बीजेपी के कुछ नेताओं के भीतरघात की खबर आ रही है। उज्जवल निकम से उन्होंने पूरी तरह से खुद को अलग कर लिया, ऐसी बातें कही जा रही हैं। उद्धव ठाकरे के साथ खुद मिल गए, ऐसी बातें कही जा रही हैं और इसीलिए इस मीटिंग की बात भी कही जा रही है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के जाल में क्या वाकई में उज्जवल निकम फंस गए हैं या फिर निकम ने जो चैलेंज कर दिया है, चुनाव को जीत कर दिखाने की जो बात कही है उसको वो पूरा करके ही मानेंगे, तो आपका क्या कहना है, किसकी होगी जीत, मुंबई उत्तर मध्य सीट पर उज्जवल निकम की या फिर इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी वर्षा गायकवाड़ की, आप क्या मानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर भी करें। अब वैसे तो मुंबई की सभी सीटों पर खासा सियासी बवाल हो रहा है लेकिन मुंबई की उत्तर मध्य सीट पर जिस दिन से सीनियर वकील उज्जवल निकम को बीजेपी ने टिकट दिया है उसी दिन से ये हॉट सीट हो गई है। बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक का जवाब कांग्रेस को मिल नहीं रहा था लेकिन अब इसी सीट पर एक बार फिर से नया बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि कांग्रेस के नेता सचिन सावंत ने 17 लाख का मामला उठा दिया। जी हां, इससे सियासी भूचाल आ गया। हालांकि उज्जवल निगम ने भी करारा जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। अब पहले ये देखिए कि मामला है क्या, कांग्रेस ने क्या आरोप लगाया। असल में 2008 में मुंबई में एक हमला हुआ था तो उसमें कसाब को पकड़ा गया था और फिर कसाब पर केस चला गया और तब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की तब
की सरकार ने उज्जवल निकम को कसाब के केस में स्पेशल वकील की जिम्मेदारी दी थी, यानी कि स्पेशल वकील बनाया था, कोर्ट में केस लड़ाया था। अब कांग्रेस ने ही आरोप लगाया है कि उज्जवल निकम को जो सैलरी और भत्ते दिए गए वो तो अलग हैं, लेकिन उज्जवल निकम ने होटल में रहने के नाम पर 17 लाख रुपए महाराष्ट्र सरकार से गलत तरीके से ले लिए। जी हाँ, इस पूरी पैरवी के दौरान उज्जवल निकम ने 17 लाख रुपए होटल में रहने के लिए ये बड़ा आरोप लगाया। अब कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, कांग्रेस का आरोप है कि मुंबई में ही उज्जवल निकम का घर है, वो अपने घर से ही कोर्ट आते जाते थे, लेकिन फिर भी सरकार से 17 लाख रुपए का होटल का बिल लिया, जो कि साफ साफ करप्शन है। क्योंकि जब वो अपने घर पर रहते थे तो होटल का बिल किसके नाम पर लिया, क्यों लिया, और फर्जी बिल, फर्जी होटल में स्टे दिखाया गया। इतना नहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 2010 में उज्जवल निकम ने वर्सोवा में खुद के लिए एक महाडा का फ्लैट भी आवंटित कराया था, और इस पर भी उज्जवल निकम से जवाब मांग लिया। अब यहाँ यानी कि मुंबई की उत्तर मध्य सीट पर अब तक उज्जवल निकम भारी पड़ते हुए दिख रहे थे, लेकिन इस आरोप के बाद थोड़े से बैकफुट पर आए। लेकिन जैसे उज्जवल निकम एक कदम पीछे गए, तो ये पीछे हटने के लिए नहीं था, बल्कि और ताकत से आगे बढ़ने के लिए, और ताकत से हमला करने के लिए था। जी हाँ, उज्जवल निकम ने इस बुरे मामले को लेकर कांग्रेस पर ताबड़तोड़ बड़ा करारा मुंह तोड़ हमला किया है। उज्जवल निकम ने कहा कि मैं तब लोक सेवक नहीं था, यानी कि मैं सरकारी सेवा में नहीं था, और जो भी मैंने आवास का, होटल का बिल लिया, जो भी पैसा लिया, वो शर्तों के अधीन था। पहले से सब कुछ तय किया गया था, पहले से शर्तें तय थी, अचानक कुछ नहीं हुआ था। उज्जवल निकम ने आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार को भी सब कुछ पता था, उन्होंने ही इसे अप्रूव भी किया था, और अब ये सामान्य बात थी, मगर इसे अब असली हमला किया गया। अब ये तो सामान्य बात थी, सामान्य जवाब था, लेकिन असली हमला इसके बाद किया गया। उज्जवल निकम ने कहा कि मैंने कसाब को फांसी दिलवाई, लेकिन ये कांग्रेस ही हमेशा कसाब का पक्ष लेते रहे। यही नहीं, निकम ने कहा कि कसाब ने खुद स्वीकार किया कि हेमंत करकरे को उसने ही मारा, कसाब की गोली से ही करकरे शहीद हुए थे, तो कांग्रेस ने इस पर भी सवाल उठाए हैं। उज्जवल निकम ने कहा कि कांग्रेसियों कुछ तो शर्म करो, सिर्फ एक चुनाव में जीत के लिए इस तरह से हथकंडे अपनाते हुए शर्मनाक है, बेहद ही ज्यादा शर्मनाक है। उज्जवल निकम ने कांग्रेस नेता सचिन सावंत से कहा कि वो नियमों को समझे, सावंत नियमों को परखना समझे, और उसके बिना बोलेंगे तो ऐसे ही अनाड़ियों की तरह बोलते चले जाएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उज्जवल निकम ने चैलेंज तक कर दिया कि मेरे एक भी काम को गलत साबित कर दो, मैं चुनाव जीत कर भी राजनीति छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं विधायक रहा हूँ, इसीलिए मैं चैलेंज करता हूँ, दावा करता हूँ। हालांकि इसके बाद कांग्रेस से कुछ नहीं बोलते बना, कांग्रेस नेता चुप हो गए, खामोश हो गए, इसके जवाब कुछ भी नहीं आया। लेकिन हाँ, यहाँ पर मामला पूरी तरह से 17 लाख का गिर गया, पूरी मुंबई उत्तर मध्य सीट पर अब बड़ी सियासत की वजह यही 17 लाख बन चुके हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं, तो जवाब उज्जवल निकम की तरफ से भी आया। हालांकि उज्जवल निकम की तरफ से जवाब आया, कई लोगों को रास नहीं आ रहा है। कई लोगों का ये भी कहना है कि जब मुंबई में आपका घर था तो वहाँ वाकई में आपने इतने पैसे होटल के नाम पर, घर के नाम पर क्यों लिए, इसका जवाब फाइनली सीधा सीधा जवाब उज्जवल निकम की तरफ से भी नहीं मिला। तो कुल मिलाकर क्या वाकई में उज्जवल निकम इस मामले में फंस जाएंगे, या फिर कांग्रेस ने खुद ही सेल्फ गोल कर लिया, खुद ही खुद को नुकसान पहुंचा लिया है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।